हाय फ्रेंड्स, ये देखिए, ये यूनी साउंड का 55 वाट का ड्राइवर बोर्ड है। इसका पूरा कनेक्शन का डायग्राम मैं बताऊंगा पेपर पेन पर लिख कर भी, और इसका कनेक्शन भी। तो इस ड्राइवर बोर्ड को 6292 ट्रांजिस्टर से बनाया गया है, जो कि 6292 एक अच्छा ड्राइवर ट्रांजिस्टर माना जाता है। यहाँ 100 ओम का प्रीसेट लगा हुआ है और इसके बगल में 100 ओम का रेजिस्टेंस जली हुई है। तो जितना भी रेजिस्टेंस जला हुआ है, पुराना हो चुका है, जंग लगा हुआ है, सबको निकाल करके हम दूसरा रेजिस्टेंस लगाएंगे, और लगाने के बाद आप लोगों को एक बार फिर दिखाएंगे और इसका कनेक्शन भी बताएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें यूट्यूब पर काम करने का हौसला देता है। यहाँ थोड़ा टूटा हुआ है, पर टूटने से कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो देखिए, जितना भी जंग लगा हुआ था, सभी रेजिस्टेंस को निकाल कर हमने दूसरा रेजिस्टेंस लगाया। ये 1K का रेजिस्टेंस है, ये जंग लगा हुआ है पर अभी ठीक है, इसलिए मैंने उसे नहीं निकाला। ये थर्मिस्टर है, थर्मिस्टर का काम क्या होता है मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगा, फिलहाल अभी हम इसका कनेक्शन बता दें। देखिए, इस साइड 4 पिने हैं, यहाँ 1, 2, 3 और 4, 4 पिन एक साइड है। आप देख सकते हैं यहाँ 4 पिन है और दूसरे साइड 5 पिन है। आपको ड्राइवर बोर्ड में यही ध्यान देना है कि जिधर 4 पिन है और जिधर 5 पिन है, दोनों का कनेक्शन सेम होगा। कोई इसमें ज़्यादा फास्ट है नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। अब देखिए, यहाँ प्रीसेट पुराना था तो हमने नया लगाया। पहले 100 ओम का प्रीसेट था, अब यहाँ 500 ओम का प्रीसेट लगाया। 100 ओम का प्रीसेट लगा कर चेक किया था तो ट्रांजिस्टर हीट हो रहे थे, इसलिए हमने 500 ओम का प्रीसेट लगाया। अब 6292 ट्रांजिस्टर अच्छा होता है ड्राइवर के लिए, जैसे छोटे एम्पलीफायर हुए 150 वाट तक, बिल्कुल 6292 अच्छा काम करता है। वरना बहुत सारी कंपनियाँ 30-55 यूज करती है, अहूजा 4007 यूज करती है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक ठाक है। अब देखिए, मैं इसका कनेक्शन बता दूं। सबसे पहले देखिए, जिधर 4 पिने लगी है, यहाँ देखिए इस वायर को पकड़कर, इस प्रिंट को आप ध्यान से देखेंगे तो ये कलेक्टर है, ड्राइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा पावर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होगा। पावर ट्रांजिस्टर या तो 5200 है या 3055 या 3037 देता, उसका कलेक्टर होगा। और ये जो बगल में दूसरा है, ये बेस होगा। देखिए, मैं 3055 और 3073 दोनों सेम ही होता है डायग्राम में, तो 3073 ट्रांजिस्टर को लेकर के समझा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। एक बार वीडियो को देखकर ही आप समझ जाएंगे। देखिए, जिधर ज़्यादा है सेंटर से, यहाँ लंबाई थोड़ी ज़्यादा है और ऊपर में थोड़ी कम है, तो लंबाई जिधर ज़्यादा है उसको नीचे रखेंगे। अब दाहिने साइड वाला पिन इमीटर होता है, ये इमीटर वाला पिन है। ये इमीटर मैं बता दूँ, यहाँ देखिए, यहाँ जुड़ेगा, ये निगेटिव होगा, डायरेक्ट निगेटिव आएगा, जो ब्रिज रेक्टिफायर से निगेटिव बनता है उसको यहाँ कनेक्शन किया जाएगा, और रेजिस्टेंस से होकर के ये इमीटर रेजिस्टेंस से होते हुए ट्रांजिस्टर के इमीटर पर जोड़ा जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ यहाँ रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ से वायर लेकर के हम ट्रांजिस्टर के इमीटर पर कनेक्शन करेंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो समझ जाएंगे। मैं कॉपी पर भी इसका डायग्राम बनाकर आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इमीटर का कनेक्शन, आप यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि निगेटिव और इमीटर दोनों एक ही जैसा है। और इसके बाद वाला ये जो पिन है, ये बेस होगा। देखिए, ये ट्रांजिस्टर का बेस है, ये बेस है, तो बेस वाला मैं कनेक्शन बता दूँ। ये ट्रांजिस्टर का बेस है जो ये वाला है, और ये जो है ये कलेक्टर होना, ये कलेक्टर है जो बॉडी होता है ट्रांजिस्टर का, 3055 हो या 3073, उसका बॉडी ही कलेक्टर होता है। तो आप कलेक्टर, बेस और इमीटर तीनों यहीं से ले लेंगे, और डायरेक्ट निगेटिव जो कि फिल्टर कंडेंसर के निगेटिव सिरा से लाया जाएगा, ये 25 वोल्ट 4,047 माइक्रोफेराड का है, इसके निगेटिव सिरा से ही यहाँ निगेटिव दिया जाएगा, और निगेटिव रेजिस्टेंस से होते हुए ट्रांजिस्टर के इमीटर पर आकर कनेक्शन होगा। एक साइड का यही थ्योरी रहा और यही इसका कनेक्शन है। अब मैं आपको दूसरे साइड दिखाने वाला हूँ, जिधर 5 पिन है। एक बार फिर से ये देख लीजिए,
ये जो बेस है ट्रांजिस्टर का बेस, ये कलेक्टर होगा और इसके जो सटे हुए पिन है वहाँ बेस होगा। तो कलेक्टर और बेस दोनों साथ ही है, जिधर चार पिन है ड्राइवर बोर्ड में वहाँ कलेक्टर, फिर बेस, फिर इमीटर और इसके बाद डायरेक्ट फिल्टर कंडेंसर से नेगेटिव होगा जो बॉडी से टच होता है। तो एक साइड की चार पिन है कि यहीं वायर हुई, और दूसरी साइड देखिए जिधर पांच पिन है, यहाँ देखिए पांच पिन है। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। तो इन पांचों पिनों का मैं कनेक्शन बता दूँ। देखिए जो पहला पिन है, ये पांच पिन हुआ, जो पहला पिन है मैं दिखा दूँ, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है और ये बेस है, इसके बाद इमीटर है, इसके बाद नेगेटिव है और इसके बाद 8 ओम की वाइसिंग। और ये देखिए सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि जिधर आपके एम्पलीफायर में 3 HR कंडेंसर लगे होते हैं 25 वोल्ट में, उससे निगेटिव लेना है और निगेटिव लेकर के ये दूसरे नंबर ये पिन पर सोल्डिंग करना है, क्योंकि फिल्टर कंडेंसर से ही अच्छा निगेटिव आता है, कुछ मैकेनिक बॉडी से ही निगेटिव देते हैं जो कि अच्छा नहीं है। तो फिल्टर कंडेंसर से निगेटिव लीजिए और इसके दूसरे पिन पर दीजिए, इसके बाद रेजिस्टेंस होते हुए निगेटिव ट्रांजिस्टर के इमीटर तक आएगा। ये देखिए इमीटर हुआ, ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है, बीच वाला ये पिन है, दो पिन ऊपर और दो पिन नीचे छोड़ने के बाद बीच में जो होगा वो इमीटर का होगा। और ये जो साइड वाला है इमीटर के जस्ट बगल में, ये बेस है। ध्यान दीजिए ट्रांजिस्टर का जो बेस होता है इमीटर के बाद, ये जो बेस है, ये बेस, यही वाला बेस इमीटर के बगल वाले पिन पर सोल्डिंग होगा। ये बेस है और ये जो हुआ 12 वोल्ट पॉजिटिव है, पेचकस के मदद से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है, इसके बाद बेस, इसके बाद इमीटर, और ये जो है ये 8 ओम रिटर्निंग बाइसिंग वोल्टेज इसको बोला जाता है, ये आउटपुट ट्रांसफार्मर के 8 ओम से एक वायर लीजिए और यहाँ कनेक्शन करना होगा, बाकी आपका पूरा कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं एक बार फिर आपको दिखा दूँ, ये पांचों पिनों का कनेक्शन मैं लिख करके आपको दिखा रहा हूँ। तो आइए ये मैं 5 नंबर तक यहाँ लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। इन पांचों का कनेक्शन और इधर 4 है, चारों पिनों का कनेक्शन मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए 4 हो गया इस साइड लेफ्ट और 5 पिन हो गया राइट साइड में। तो सबसे पहले जो एक नंबर की पिन है 8 ओम की रिटर्निंग बाइसिंग वोल्टेज इसको बोला जाता है, कुछ लोग 4 ओम पर ही लगाते हैं जो कि कंपनी 8 ओम पर देती है, हमें 8 ओम पर ही लगाना चाहिए। तो यहाँ 8 ओम, ठीक है, 8 ओम की फीडबैक बाइसिंग वोल्टेज बोलिए या रिटर्निंग बाइसिंग वोल्टेज बोलिए, दोनों एक ही है। तो 8 ओम से एक वायर लेकर एक नंबर पिन पर सोल्डिंग करना होगा। एक बार पुनः देखिए, अब देखिए दूसरी बार, दूसरी पिन जो है डायरेक्ट निगेटिव होना, डायरेक्ट निगेटिव। और मैंने बताया आपको निगेटिव कहाँ से लेना है, फिल्टर कंडेंसर के निगेटिव वाले पिन से निगेटिव लेना है, और इसके बाद वाला पिन जो है ये वाला निगेटिव के बाद ट्रांजिस्टर का इमीटर है, निगेटिव के बाद ट्रांजिस्टर का इमीटर है। आप बिल्कुल समझ सकते हैं एक बार इस वीडियो को देख करके। तो इमीटर हो चुका, इसके बाद बेस, ट्रांजिस्टर का बेस, 4 नंबर वाली जो पिन है ट्रांजिस्टर का बेस है, और ये जो पांचवा पिन है ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है। हो सके तो 78-12 ट्रांजिस्टर का यूज कीजिए, आपका सेट कभी गर्म नहीं होगा, आवाज़ भी नहीं फटेगी। इसका कनेक्शन मैं कल बताऊंगा, प्रैक्टिकल करके मैं देख चुका हूँ। 78-12 रेगुलेटर ऐसे यूज कीजिए, इसके बाद इसकी आवाज़ की क्लियरिटी बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो एक बार फिर इस कनेक्शन को आप लोग देख लीजिए, जो फर्स्ट पिन है फीडबैक वोल्टेज है, सेकंड पिन है निगेटिव है, थर्ड पिन ट्रांजिस्टर इमीटर, फोर्थ पिन ट्रांजिस्टर बेस और फाइव पिन 12 वोल्ट पॉजिटिव। अब जिधर 4 पिन है उधर आप देखिए, ये भी हूबहू वही सिस्टम है, ये डायरेक्ट निगेटिव है, जो फिल्टर कंडेंसर 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेराड के निगेटिव वायर से कनेक्शन होगा। दूसरा पिन ट्रांजिस्टर का इमीटर है, आप देखिए
ये ट्रांजिस्टर का इमिटर है। जिस तरह से ड्राइवर बोर्ड रखा हुआ है आप उस तरह से रख कर सीख सकते हैं। इसके बाद तीसरा पिन बेस, ट्रांजिस्टर का बेस, तीसरा पिन ट्रांजिस्टर का बेस है। इसके बाद चौथा पिन जो है ट्रांजिस्टर का कलेक्टर है। यहाँ चौथा पिन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर हुआ। तो इस तरह से आपको निगेटिव, इमीटर, बेस और कलेक्टर का कनेक्शन प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, आप कनेक्शन कीजिए और कुछ सीखिए। आप नए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा और उस नंबर पर आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं शाम को 5 बजे से 8 बजे के बीच। बाकी मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहां प्रीसेट और हीट का कनेक्शन मैं बता दूं। यहां प्रीसेट पहले 100 ओम का लगा हुआ था लेकिन मेरा सेट हीट हो रहा था तो मैंने इसे हटा करके 500 ओम का प्रीसेट लगाया तो हीट होना बंद हो गया। और एक वजह और भी है, इसमें ज़्यादा वोल्टेज आने से ये हीट होने लगता है। तो यहाँ पहले क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस थी, अब मैंने हाफ वाट की रेजिस्टेंस 100 वाट हाफ वाट में लगाया हूँ, 100 ओम हाफ वाट की रेजिस्टेंस। ये ट्रांजिस्टर के बेस और निगेटिव से लगते हैं। ये देखिए कोई भी पावर ट्रांजिस्टर का जो बेस वाला पिन है, इस पिन से लेकर के हम 100 ओम हाफ वाट की रेजिस्टेंस को निगेटिव या अर्थ से कनेक्शन कर देंगे जिससे हमारा सेट कम हीट होता है और ट्रांजिस्टर को जलने से बचा जाता है। कभी भी ओवर वोल्टेज को इसी सिस्टम से रोका जाता है, सभी कंपनियां यही सिस्टम यूज करती है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं। तो ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिले।